वेलकम टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में। इस वीडियो में करेंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 6 है। यदि आपने टेस्ट 1 to 5 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज का टेस्ट नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने होगे नक्कल परियोजना का विरोध करने की बात की है, यह किस राज्य की प्रस्तावित परियोजना है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है केरल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। होगे नक्कल परियोजना तमिलनाडु राज्य की प्रस्तावित परियोजना है। यह पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजना है जो कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी है अमित शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत ऑनलाइन की गई, जो 20 जनवरी 2022 को शुरुआत की गई। इसका वेन्यू शांति वन आबू रोड और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था ब्रह्म कुमारी संस्था ने, जो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो राजस्थान के सिरोही ज़िला में विस्तृत है। तो ब्रह्म कुमारी संस्था माउंट आबू की पहाड़ी में राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है और इसी के द्वारा, ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ही आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। कोक बोरोक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है, जो त्रिपुरा का एक त्यौहार है और यह प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोक बोरोक त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM ने जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया है। ऑप्शन ए है 13 से 20 जनवरी 2022, ऑप्शन बी है 8 से 15 जनवरी 2022, ऑप्शन सी है 15 से 22 जनवरी 2022 और ऑप्शन डी है 10 से 17 जनवरी 2022। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 से 17 जनवरी 2022। DAY NRLM ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया। इस सप्ताह 7,500 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 76,664 कृषि पोषण वाटिका बनाई गई। DAY NRLM का लक्ष्य प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार को कृषि पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो देखिए, झारखंड में लातेहार जिले के
बरवाडीह प्रखंड में कृषि पोषण वाटिका सप्ताह का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन ए है चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग, ऑप्शन बी है चिंता एंजाइटी, ऑप्शन सी है अलगाव आइसोलेट, ऑप्शन डी है भलाई वेल बीइंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिंता एंजाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिंता एंजाइटी वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। एंजाइटी वोटेड चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021। वाइल एंजाइटी वॉज द टॉप चॉइस चूजन बाई 21% ऑफ चिल्ड्रेन, इट वॉज फॉलोड बाई चैलेंजिंग चूजन बाई 19%, आइसोलेट 14% एंड वेल बींग 13%। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन